बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया के निधन के बाद अंबाला लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा या नहीं, ये सवाल लगातार बना हुआ था। चुनाव आयोग ने अंबाला लोकसभा सीट को खाली घोषित कर दिया था, जिसके बाद से ही इस सीट पर उपचुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी। लेकिन यहाँ उपचुनाव होगा या नहीं, होगा तो कब होगा, इस पर फाइनल जवाब मिल गया है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल के बयान के अनुसार अंबाला लोकसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। इनका कहना है कि अगले साल देश भर में आम चुनाव होने हैं और अंबाला लोकसभा सीट पर भी उसी समय इलेक्शन कराया जाएगा। माना जा रहा था कि अगर यहां उपचुनाव होता है तो इसे सत्ता का सेमीफाइनल कहा जाएगा, क्योंकि साल 2024 के चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में यहां इस उपचुनाव में जो भी पार्टी जीतेगी वो सीधे सीधे ये संकेत देगी कि वो बाकी सभी पार्टियों में से जीत के बेहद नजदीक है और तमाम पार्टियों में से सबसे ज्यादा मजबूत भी है। माना जा रहा था कि अगर यहां उपचुनाव होता तो बीजेपी के लिए ये उपचुनाव जीतना बेहद जरूरी रहता, क्योंकि अब की बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी को जेजेपी का सहारा लेना पड़ा। तो वहीं इस चुनाव से ये भी तस्वीर साफ हो जाती कि बीजेपी जेजेपी के बिना अब राज बनाने की परिस्थिति में है या नहीं। अंबाला में कांग्रेस भी इन दिनों काफी एक्टिव नजर आई। कुमारी शैलजा भी लगातार ग्राउंड पर अपने समर्थकों के साथ राय शुमारी करती नजर आई। लेकिन यहां पर जब भी चुनाव होंगे तो किस पार्टी की ओर से कौन दावेदार हो सकता है, ये फिलहाल कहना तो मुश्किल है। लेकिन निगाहें रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया, चौधरी निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा पर रहने वाली है, क्योंकि दारोमदार यहां के लोकल नेताओं पर ज्यादा माना जाए। हालांकि इस चुनाव में इनेलो और जेजेपी के लिए चेहरा खोजना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्टियां इस क्षेत्र में कम एक्टिव नजर आई हैं। जहां बीजेपी और कांग्रेस इस चुनाव में जिताऊ चेहरों बाबत कम चिंताजनक परिस्थिति में हो सकती है, तो वहीं जेजेपी और इनेलो के लिए मजबूत चेहरा खोजना मुश्किल सा नजर आ सकता है। बहरहाल अंबाला सीट को लेकर आपका क्या कुछ सोचना है, राय जरूर रखेगा। साथ ही चौगड़दे की खबरों के लिए बने रहेगा हरियाणा तक के साथ।